तो गाइस ये जो पेड़ है ना, इसके अभी फिलहाल चार अंडे हैं और ये चारों के चारों फर्टाइल है। एक दो अंडा और देगी वो भी फर्टाइल होंगे और इसकी सिक्स ब्रीड है लगातार। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आज इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में और आज मैं आपको अपने कॉकटेल का पेड़ दिखाने जा रहा हूँ जो बंद ही नहीं होता। इट कीप्स ऑन ब्रीडिंग करता रहता है, मेटिंग करता है, बच्चे निकालता है, मेटिंग करता है, बच्चे निकालता है, फिर मैं बच्चों को निकालता हूँ, फिर वो शुरू हो जाता है विद इन अ वीक। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या ये ठीक है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको कॉकटेल्स की ब्रीडिंग की छोटी सी टिप्स भी दूंगा विच माइट हेल्प यू। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि मेरे पास है हीरो। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो मेरे पास एक ग्रे कॉकटेल है जिसका नाम है हीरो, उसके साथ जो उसकी फीमेल है उसका नाम हमने रख दिया है हीरोइन, ऑल राइट, वो लुटिनो है। तो उनका मैंने पेड़ बनाया था एंड स्टार्टिंग में दे स्टार्टेड रेजिंग चिक्स आफ्टर, मतलब तीसरे क्लच में जाके उन्होंने जो है बच्चा निकाला था एंड तब से वो हर बार तीन चार करके बच्चे निकालते हुए ही आ रहे हैं मेरे पास। और रुके, ये कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ क्या है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब आई शिफ्टेड टू अ न्यू सेटअप, अ न्यू हाउस, एंड उसके बाद मैंने इनको नेस्ट बॉक्स दिया था। जनरली कोई भी बर्ड हो आपके पास, बी इट अ बजी, कॉकटेल और ए पैरटलेट, आप क्या करते हैं कि आप उनके बेबीज़ को उनके पास 20-25 दिन छोड़ते हैं और फिर उसके बाद बेबीज़ निकाल लेते हैं, साथ में जो नेस्ट बॉक्स है वो निकाल लेते हैं अगर आप बेबीज़ को हैंड फीडिंग करा रहे हैं तो। और ऐसा कब करते हैं, सेकंड क्लच के बाद, मतलब पहला क्लच आपने ले लिया, पहली बार उन्होंने मेटिंग करी, एग्स ले करे, बच्चे रेज करे, बच्चे 20 से 25 दिन के हो गए, उन बच्चों को आप निकालते हैं लेकिन नेस्ट बॉक्स आप रहने देते हैं। जो दूसरी बार वो ब्रीडिंग करते हैं उस सीज़न में, सेकंड क्लच आता है उनका, फिर वो बच्चे रेज करते हैं, उन बच्चों के साथ साथ आप नेस्ट बॉक्स भी निकाल लेते हैं, ऑल राइट। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने इनसे दो बार ब्रीडिंग ली, मैंने जो है इनका नेस्ट बॉक्स निकाल लिया लेकिन इनकी मेटिंग नहीं बंद हुई और हीरोइन ने दो एग्स लगातार केज के फ्लोर पे दिए और वो रुक नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये रुक ही नहीं रही है, जनरली होता क्या है कि अगर आप शिफ्ट कर देते हैं किसी बर्ड को या फिर उनका नेस्ट बॉक्स हटा देते हैं तो वो एक अंडा डाल देते हैं, दूसरा अंडा नहीं डालते हैं। दे नो, अच्छा मेरे पास अब मतलब जगह नहीं है ब्रीडिंग करने की, आई डोंट हैव एनी स्पेस, कोई नेस्ट बॉक्स नहीं है, तो मैं ब्रीडिंग यहाँ पे नहीं करूँगा या फिर ब्रीडिंग यहाँ पे नहीं करूँगी, सो दे डोंट ले एग्स। लेकिन इस केस में उसने एग्स ले करना बंद ही नहीं किया। मैंने एग्स को चेक भी किया कि क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्स को देखते हैं, पुराने एग्स जब होते हैं, अगर आपके बर्ड्स लगातार एग्स ले करते हुए आ रहे हैं तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, एग शेल्स जो है थोड़े पतले हो जाते हैं, जनरली जो थोड़ा थिक शेल होता है वो नहीं दिखता, बहुत पतले शेल दिखते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं था, एक्सेल्स जो है अच्छे थे। तो मैंने उनको थर्ड क्लच भी लेने दिया, उन्होंने दो मेरे पास लुटिनो बच्चे निकाले, अनफॉर्चुनेटली दे डाइड एंड फिर मैंने उनका नेस्ट बॉक्स हटा दिया। मैंने सोचा कि अब तो बहुत हो गया है, मैं इनको और नेस्ट बॉक्स नहीं दूंगा, मैं इनसे और मोरिंगा पाउडर का यूज़ करता हूँ और मोरिंगा पाउडर से होता क्या है कि वो आपके बर्ड्स के हेल्थ को एनहांस करता है, ब्रीडिंग में आपके बर्ड्स को लाता है एंड कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है बिकॉज बिल्कुल नेचुरल है, एक्सपायर भी नहीं होता है, राइट। जबकि दूसरे सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स को हेल्थ के अफेक्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि करते हैं बट हो सकता है कि कर सकते हैं। एनीवे, साथ में मैं उनको एक्शल्स वगैरह दूंगा या फिर एग फूड दूंगा या मैं उनको कटल फिश बोन दूंगा, लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे करने नहीं दिया। मैंने नेस्ट बॉक्स निकाल दिया, 10 दिन तक उनकी मीटिंग चलती रही और 11 डे पे उसने फिर से एक अंडा लेकर दिया मेरे पास और फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एक और अंडा लेकर दिया। तो यहाँ पे फिर मैं फंस गया, फिर से मुझे नेस्ट बॉक्स देना पड़ रहा है और अब भी आप देख ही पा रहे हैं जैसे उसने मेरे पास चार एग्स लेकर चुकी है वो, एंड बाय गॉड्स ग्रेस होता यह है कि उसके हर एग्स, मतलब अगर वो चार अंडे डाल रही है तो चारों एग्स फर्टाइल होंगे, तीन अंडे हैं तो तीनों, पांच है तो पांचों के पांचों फर्टाइल होंगे और हर एग में से बच्चा निकलता है, शायद ही कभी हुआ हो कि उसका अंडा ख़राब हुआ हो, राइट। तो इतनी अच्छी इनकी प्रोडक्टिविटी है और चाहकर भी मैं उनको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो क्या ये सही है, अगर आप अपने मतलब बर्ड से रेगुलरली ब्रीडिंग ले रहे हैं, नॉन स्टॉप ब्रीडिंग ले रहे हैं, तो क्या ये सही है
ऑब्वियसली नहीं है, कहीं ना कहीं उसके हेल्थ को इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉकटेल के एक्सपर्ट को जिसके पास 50-60 पेयर्स हैं एंड ही इज बीन ब्रीडिंग कॉकटेल्स, ही लिव्स इन लुधियाना, सो आई टॉक टू दैट गाय एंड आस्क्ड हिम कि क्या कर सकते हैं। तो ही सेड कि कुछ पेयर्स जब हीट पे होते हैं, साथ में ये इनका सीजन चल रहा है, इस यहाँ पे उनको स्टॉप नहीं कर सकते आप, और या फिर ये स्टॉप नहीं होंगे। कुछ ही पेयर्स हैं जो बंद हो जाते हैं अगर आप उनको नेस्ट बॉक्स हटा दें, लेकिन ज़्यादातर पेयर्स जो हैं वो ब्रीडिंग करते रहेंगे, मेटिंग करते रहेंगे, दिल कीप ऑन लेइंग एग्स। इससे बढ़िया आप नेस्ट बॉक्स इंट्रोड्यूस कर दो, उनको ब्रीडिंग करने दो जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है, दिसंबर का महीना, जैसे ये तो लास्ट क्लच हो गया, दिसंबर जनवरी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाता है, उस टाइम पे वो अपने आप रुक जाएंगे। ऑल राइट, तो तब तक आप इनको ब्रीडिंग करने दीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना लेट देम रेज अनदर क्लच। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि पे स्पेशल अटेंशन टू देयर डाइट्स, कि आप उनको खाने में क्या दे रहे हैं। खाने में मैं जनरली क्या देता हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ मतलब बहुत कुछ देता हूँ इनको खाने में। जनरली जो मेरे सीड मिक्स है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, अगर नहीं देखे तो वीडियो को आप देख सकते हैं आई आइकन पे क्लिक करके, बहुत अच्छा सीड मिक्स है, मैं वो यूज़ करता हूँ विंटर सीड मिक्स के लिए। सेकेंडली उसके अलावा मैं हर रोज़ इनको सॉफ्ट फूड देता हूँ। सॉफ्ट फूड में मैं क्या देता हूँ, सॉफ्ट फूड में जनरली मेरे पास होता है चना, जो कि भीगा हुआ होता है, सोफ चना होता है। मेरे पास होता है गेहूँ, जिसको मैं एक दिन भिगोता हूँ और फिर सुबह सुबह बॉयल करके ठंडा करके चने के साथ मिक्स करके देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एप्पल्स देता हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, एप्पल्स के साथ मैं कोरिएंडर या फिर कोई भी लीव्स जैसे मेथी हो गई, पालक हो गया, उनको छोटे 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 पीसेस में काट के उनमें मोरिंगा पाउडर मिला के उनमें लिक्विड कैल्शियम मिला के अपने बर्ड्स को देता हूँ। साथ में मैंने कैल्शियम के लिए अलग से कटलफिश बोन लगा रखा हुआ है, विच हेल्प्स देम, क्योंकि जब आपके बर्ड्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, कैल्शियम जाएगा, तो कैल्शियम की जो कमी हो रही है एग्स ले करने की वजह से, वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी पूरी होती जाएगी। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप भी अपने कॉकटेल्स से नॉन स्टॉप ब्रीडिंग ले सकते हैं, एंड इन एन ईयर वो आपको 6 क्लच तो आराम से देकर चला जाएगा। अगर आपका अच्छा पेयर है जैसा मेरे पास है, 3 से 4 बच्चे हर बार निकालता है, सो इट्स गोना गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। बट प्रॉफिट के नज़रिए से मत सोचिए, ये सोचिए कि आपके पास आपने बर्ड्स रखा हुआ है, लाइक इफ़ यू लेट देम ब्रीड यू शुड गिव देम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर केयर, और तभी जाके उनसे ब्रीडिंग लीजिए। तो यही था, ये आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स गाइस। थैंक यू एंड हैप्पी पेटिंग, बाय बाय।